देखो क्वेश्चन पहला क्या है, पहला मतलब सातवां क्वेश्चन ही की बात कर रहे हैं, या पहला मान लो आज का पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सच डेट ए ट्रांसपोज ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए बराबर दिया है ए ट्रांसपोज ए, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए नहीं, और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर प्रूफ करना है, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर ये प्रूफ करना है नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में या तो हम आर एच एस से एल एच एस चले जाए या फिर एल एच एस से आर एच एस आ जाए, कहीं भी आ सकते हैं, तो हम एल एच एस से ही चलते हैं, तो एल एच एस से चलते हैं। तो देखो एल एच एस से जाएंगे तो क्या लिखा हुआ, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, और ए बी देख ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ए बी इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा अब देख बी बी ट्रांसपोज तो कहीं पे यूज नहीं कर सकते हैं, अच्छा बी है ना, बी ट्रांसपोज ए ऐसा भी यूज नहीं कर सकते हैं, चल कोई बात नहीं। देख हम यहाँ से ये रिजल्ट निकालते हैं, ठीक, यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ए, अब क्या करते हैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए ट्रांसपोज और इससे ए ट्रांसपोज बी। अच्छा अब कहीं पे यूज कर सकते हैं इसका रिजल्ट, नहीं बी बी ट्रांसपोज भी नहीं दिया है क्या, एक और रिजल्ट दिया होगा, इस रिजल्ट को लिख लेना कि बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी, ठीक। अच्छा देख तो हम देख बी बी ट्रांसपोज के जगह पर बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, बी बी ट्रांसपोज इसके जगह पर बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, तो देख बी बी ट्रांसपोज है तो बी बी ट्रांसपोज सॉरी कहाँ ये नहीं बी बी ट्रांसपोज, बी बी ट्रांसपोज के जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज, इतना लिख देंगे। अच्छा देख अब देख बी ए ट्रांसपोज तो बी ए ट्रांसपोज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी, तो ए बी ट्रांसपोज को तभी रहने देंगे और बी ए ट्रांसपोज के जगह पर लिख देंगे ए ट्रांसपोज बी। अच्छा अब ए बी ट्रांसपोज के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, बी ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज और बी। अच्छा अब देख ए ए ट्रांसपोज तो ए ए ट्रांसपोज के जगह पे ए इंटू ए ट्रांसपोज कहीं पे है क्या, ये रहा होगा समझे, ए ट्रांसपोज ए बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज के जगह पर हम ए ट्रांसपोज ए यूज कर सकते हैं, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये ए बी, अब यही ना होगा। अब देख बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसफॉर्म नहीं, तो क्या लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज और इंटू ए बी नहीं, प्रूफ हो गया ना। तो ये क्वेश्चन में शायद मिस था, इसको ऐड कर लेना, ठीक, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या क्या दिया था कि ए ट्रांसपोज बराबर ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए, और फिर ये भी दिया है कि बी बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी नहीं, उसका यूज करके क्या, हाँ इसको क्वेश्चन में जाके ऐड कर देना है। क्या है, हाँ उसमें दो है, क्वेश्चन नंबर दो की बात कर सकते हैं, तो देख क्वेश्चन में दो क्या है कि देख हमारे पास पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, पी मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 100 फिर 410 16 41 नहीं, और आई क्या दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब मेरे पास आई 3 दिया हुआ है, दिया है नहीं, अच्छा आई 3 दिया हुआ है, और इफ क्यू, क्यू क्या दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स क्या है, क्यू आई जे है, क्या है, क्यू आई जे है, इज अ मैट्रिक्स सच डेट, एक रिलेशन क्या दिया हुआ है मेरे पास, पी की पावर 15 माइनस पी की पावर 50 माइनस क्यू
इज इक्वल टू क्या दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। देन हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू थ्री वन प्लस क्यू थ्री टू अपॉन क्यू टू वन। देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीका से कर सकते हैं, समझे, दो तरीका है कि एक बार हम क्या करेंगे, p की पावर 50 निकाल लेंगे, यानी p निकालेंगे, p स्क्वायर निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे, डॉट 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 करते करते p4 निकालेंगे, तो अपने पैटर्न पता चल जाएगा, उसी पैटर्न से हम p की पावर 50 डायरेक्ट लिख देंगे। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सम के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से बताएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बता सकते हो कि q3 टू 1 का मतलब क्या हो गया, यानी कि q कोई मैट्रिक्स है उसका तीसरा रो का पहला एलिमेंट, 3-2 का मतलब दूसरा एलिमेंट, अपॉन क्यू टू वन मतलब दूसरा रो का पहला एलिमेंट। नहीं तो देख, हम p को क्या करते हैं, p को हम ये लिख दे, p को ये लिख दे कि देख 0 0 0 4 0 0 16 4 0 प्लस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दे। इस मैट्रिक्स का नाम क्या मान लेते हैं, हाँ आदर्श, नहीं, और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं तो पी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ए प्लस आई है। अब हमको क्या निकालना है, पी की पावर 50 निकालना है। पी की पावर 50 से पहले हम ए ए स्क्वायर, ए तो मेरे पास है, हम ए स्क्वायर के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए करेंगे तो देख 0 0 0 4 0 0 16 4 0 into 0 0 0 4 0 0 16 4 0। ये क्वेश्चन साइड एडवांस में ही पूछा हुआ ना, कौन सा इसमें 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो इसको लिखेंगे तो देख 0 into 0 0 into ये 0 into ये लड्डू, फिर 0 into ये 0 into ये 0 into ये लड्डू, फिर 0 का सारे से गुना तो 0, 4 into 0 0 into ये 0 into ये 0, 4 into 0 0 into 0 0 into 0 0 4 ये 0 0 16 into 0 0 4 into 4 16 फिर 0 सही है ना, फिर 16 into 0 4 into 0 ये into 0 फिर 0 हो गया, एक जीरो ज़्यादा हो गया, मतलब ए स्क्वायर इतना आ गया। अब ए क्यू के बारे में कोई बता सकते हो क्या आएगा, ए क्यू ए स्क्वायर इंटू ए मतलब 0 0 0 0 0 0 16 0 0 इसका दर्शन किसके साथ करवाओगे, ए के साथ। अब ए मेरे पास क्या है 0 0 0 4 0 0 16 4 0 है। अच्छा अब यहाँ से 0 इसका दर्शन इसके साथ 0 इसका दर्शन इसके साथ 0 इसका दर्शन इसके साथ 0 नहीं इसका दर्शन इसके साथ 0 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 मतलब ए क्यू मेरा 0 मैट्रिक्स है। ए की पावर 4 वो भी 0 आएगा, ए की पावर 5 0 आएगा, डॉट डॉट ए की पावर 50 तक जाएंगे तो भी 0 आएगा, 0 ही आएगा। अब देख ए मेरा मेरे पास क्या है, पी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ए प्लस आई मैट्रिक्स, और मेरे पास एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि पी की पावर 50 माइनस क्यू बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ये लिख सकते हो कि देख पी की पावर 50 माइनस आई इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अच्छा पी की पावर 50 को क्या लिखेंगे, सॉरी पी को क्या लिखेंगे, ए प्लस आई की पावर 50 माइनस आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स। बाइनोमियल लगा सकते क्योंकि ए आई मैट्रिक्स बराबर होगा आई ए मैट्रिक्स की, मतलब ए मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स क्या है, कम्यूट मैट्रिक्स है, तो हम कोई भी एक्सपेंशन खोल सकते थे, ए प्लस बी की पावर एन खोलते थे ना, तो खोल देंगे तो यहाँ से क्या होगा 50C0 ए की पावर 50 आई की पावर 0। यह तुमको एक और अच्छा कर सकते थे, यहाँ पर ए प्लस आई की पावर 50 खोले ना, तुमको अच्छा दिखने के लिए हम आई प्लस ए भी खोल दे तो और अच्छा आसानी से दिख जाएगा, ये भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, वो कर देंगे तो और क्लियर दिखेगा, होता ना आँख का जो कोई मोतियाबिंद का बीमारी होता है वो बीमारी थोड़ा दूर हो जाएगा ये देखने से, नहीं मतलब इस क्वेश्चन के लिए नहीं। देख
पी बराबर क्या ए प्लस आई मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोल देते हैं इसको आई प्लस ए मैट्रिक्स खोल देंगे ना, तो और अच्छा रहेगा, रहेगा ना। तो क्या हुआ देख, आई प्लस ए हो गया। अब देख ये क्या होगा, 15C0 आई की पावर 50 प्लस क्या आएगा 50C1 आएगा ना, आई की पावर 49 ए की पावर 1, फिर क्या आएगा 50C2 आई की पावर 48 ए की पावर 2 प्लस क्या आएगा 50C3 आई की पावर 47 आई ही होगा और ए की पावर 3 एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाओगे 50 ए की पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स होगा। अच्छा हम ए स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, ए स्क्वायर मेरा क्या है ये है ए क्यू नल मैट्रिक्स, नहीं ए की पावर 4 नल मैट्रिक्स, इधर सारा नल मैट्रिक्स। देखे ये करने से क्या फ़ायदा आ गया, दिख गया नहीं, थोड़ा सा दर्शन नहीं होना इससे गड़बड़ होता नहीं। अच्छा आई की पावर 50 क्या होगा, आई ही होगा 15C01 नहीं, तो ये क्या हो गया आई 50C1 NC1 N तो 50 आई की पावर 49 आई आई इंटू ए प्लस 50C2 15 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा ना। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं शॉर्ट में कि 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 50 इंटू 49 अपॉन 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 2, मतलब इसको क्या लिखेंगे 25 × 49 लिखेंगे, ठीक है तो क्या लिखेंगे 25 × 49 ए नहीं माइनस आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्यू मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स कैंसिल हो गया। अच्छा आई मैट्रिक्स कैंसिल हो गया तो क्यू मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ रहा 50 ए मैट्रिक्स प्लस ये क्या ए स्क्वायर होगा ना, नहीं तो 50 ए मैट्रिक्स प्लस क्या है ये, अच्छा इसको 50 ही रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्या था ये 50/2 हो जाएगा ना, सही है ना। तो Q मैट्रिक्स मेरे पास क्या गया 50 ए मैट्रिक्स प्लस 50 × 49/2 ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी क्योंकि इसका भी फायदा भी दिखने जाएगा देख लेना। अब यहाँ पे देख हम क्या करते हैं, दोनों जगह से 50 कॉमन ले ले, दोनों जगह से 50 कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों जगह से 50 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो देख 50 कॉमन आ गया, 50 कॉमन आ गया, बचा मेरे पास क्या ए मैट्रिक्स, तो देख ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या, दोनों जगह से हम 50 कॉमन ले चुके हैं नहीं, तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है देख क्या है ए मैट्रिक्स 0 0 0 4 0 0 16 4 0 है प्लस 50 को कॉमन आ गया 49 × a² मैट्रिक्स, तो देख 49/2 और ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 0 0 0 0 0 0 16 0 0 है और इधर क्या है मेरे पास क्यू मैट्रिक्स है ना। अच्छा क्यू मैट्रिक्स तो आ गया है, आ गया है ना, क्यू मैट्रिक्स तो आ गया है ना, क्यू मैट्रिक्स क्या आ गया कि 50 × डायरेक्ट गुना कर दें या डायरेक्ट क्या हम डायरेक्ट Q32 लिख सकते हैं, सॉरी क्या निकालना हमको Q31 प्लस Q32/Q21 देख Q32 का मतलब क्या हो गया तीसरा रो का पहला एलिमेंट, तो देख 50 का इससे गुना होगा तो क्या होगा 50 × 16 प्लस अब देख 50 का इससे भी गुना होगा और 49/2 का भी इससे गुना होगा तो क्या होगा 50 × 49/2 × 16 होगा, होगा ना। और Q21 का मतलब दूसरा रो दूसरा रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, तो मतलब ये वाली एलिमेंट की बात हो रही है तो क्या होगा 50 × 4 होगा प्लस
अच्छा ये अभी तो हमने Q31 ही नहीं लिखा है, उसमें हमको Q32 भी तो ऐड करना है। yes, नहीं थोड़ा सा अच्छा स्पेस चाहिए, तब तक ये लिख इतना लिख ले, उसका कहीं ना कहीं स्पेस बना के लिख देंगे। नहीं हो गया ना, देखो अब देख ये तो आ गया क्या था, क्यू मैट्रिक्स ही निकाला, क्यू मैट्रिक्स इतना आ रहा है। नहीं तो क्यू मैट्रिक्स इतना आ रहा है तो यहाँ से हम क्यू मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्यू मैट्रिक्स क्या आएगा, देख क्यू मैट्रिक्स क्या आएगा कि देख देख 50 तो पहले ही हम बाहर कर लेते, नहीं 50 तो कोई बात नहीं बाहर हम कर ही लेते हैं। देख क्यू मैट्रिक्स देख 50 तो बाहर आ गया। अब देख इधर क्या आएगा, 0 0 0 4 0 0 6 4 0 प्लस देख इसका 2 से गुना कर दे, इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देते नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 के जगह पर 8 हो जाएगा और 49 इंटू 0 0 0 0 0 0 8 0 0 हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि Q31 प्लस Q32 बाय Q21 ये निकालना है, ये निकालना है। तो देखो Q31 का मतलब क्या गया कि तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट हो गया ना। अब देखो हमको क्या निकालना है Q31, तो Q31 क्या होगा, तीसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, तो क्या होगा कि देख 50 इंटू 16 प्लस यहाँ से क्या आएगा 49 इंटू 8 आएगा। अब देख Q32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो क्या आएगा यहाँ से इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, नहीं तो क्या होगा 50 इंटू 4 प्लस 49 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, नहीं डिवाइडेड बाई Q21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, तो क्या आएगा 50 इंटू 4। बाकी बात तो कुछ आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब आराम से क्या करेंगे, आ रहा है। अब देखो 50 50 50 कैंसिल हो गया, अच्छा ये 50 का इससे भी गुना होगा ना, नहीं तो देख 50 50 50 कैंसिल हो गया, तो 50 50 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 16 प्लस 49 इंटू 8 और प्लस यहाँ से 50 कैंसिल हो गया तो 4 अपॉन नीचे 4 ये बचा। देखते इधर क्या बचेगा, देख ये 20 का 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 5 प्लस 49 इंटू 8 को 4 से भाग दोगे तो 49 इंटू 2 और 49 इंटू 2 कितना होता है 98, कितना होता है 98 और इसका सम कितना होगा 103, आंसर क्या हो जाएगा 103। इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं जो जेई मेंस 2021 में पूछा है, इसी पैटर्न पे जो घर से बना के लाना, नहीं तो अभी फिलहाल लिख लो इसको। हो गया, देखो ये क्वेश्चन घर के लिए नहीं कि इफ ए मैट्रिक्स बराबर इतना दिए हुआ है, नहीं और देख ये जेई 2021 में पूछा हुआ और यहाँ पे क्या है कि के बराबर क्या दिया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डॉट 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 ए की पावर 20 देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ के, हमसे क्या पूछ रहा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ के का हर एलिमेंट का सम निकालना है, नहीं तो इसको घर से करके आना ठीक। देखो देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है देखो जो जेई एडवांस क्या कहते हैं 2017 में पूछे हुआ और सेम क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछे हुआ, थोड़ा सा डाटा का इधर उधर हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है यूजिंग द एंट्रीज, यानी कि एलिमेंट हमको किसका यूज करना है यूजिंग एंट्रीज, क्या बोल रहा है लिख लेना अपना जेई एडवांस 2017 का है, नहीं और जस्ट अभी एक क्वेश्चन कराएंगे जो जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ था, नहीं जेई 2021 में, तो हमको एंट्रीज कौन सा यूज करना है 0 1 और 2 है, 2 है नहीं 0 1 2 एंट्री का यूज करना है। अच्छा सेम देखो जेई मेंस 2021 में किसका यूज करना था तो 0 1 और -1 इस एंट्री का यूज करना था, ये जेई 2021 में पूछा हुआ जेई मेंस में पूछा हुआ। सच डेट क्या बोल रहा है कि m इंटू m ट्रांसपोज, क्या बोल रहा है
m into m transpose, यानी कि sum of all diagonal elements of m into m transpose कितना है इसमें? 5 है, यानी कि diagonal elements का sum m into m transpose 5 है. लिख लेना यहाँ पे sum of diagonal m into m transpose is equal to 5, और इसमें कितना है? sum of diagonal entries m into m transpose ये कितना है? शायद मेरे हिसाब से 3 है, मेरे एक बार देख लेते, वैसे 3 ही होना चाहिए था, नहीं तो देख इस कितना है, 3 ही है. ठीक, अच्छा बस जेई, जब जेई मैंने 2021 में पूछा था तो यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज लिख दिया था, और यहाँ पे क्या लिखा हो? m इंटू m ट्रांस. क्वेश्चन का सेंस सेम है, तो हम मान लेते हैं कि m 3x3 का कोई मैट्रिक्स है. तो m 3x3 का मैट्रिक्स कोई क्या मान लेते हैं, क्या होगा? a b c d e f g h i, नहीं? अच्छा, m ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ से? तो m ट्रांसपोज क्या होगा? a b c, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, d e f g h i, ये m ट्रांसपोज हो गया. अब हमसे क्या पूछा? m इंटू m ट्रांसपोज. m इंटू m ट्रांसपोज मतलब a b c d e f g h i, फिर यहाँ से a b c d e f g h i. अब हमको कमेंट किस पे कर रहा है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ m इंटू m ट्रांसपोज, यानी कि हमको सिर्फ डायगोनल एंट्रीज पे कमेंट करना, वो कितना दिया हुआ? 5. नहीं तो सिर्फ हम डायगोनल एंट्रीज की बात करेंगे. तो डायगोनल एंट्रीज का मतलब क्या हो गया? हम ये एलिमेंट निकाले, ये एलिमेंट निकाले, और ये एलिमेंट निकाल लेते हैं. नहीं, 3x3 का ये भी मैट्रिक्स है, इससे ज़्यादा तो हमको कुछ नहीं निकालना है. तो देख, ये एलिमेंट निकालने के लिए पहला रो और इसका पहला कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा. अच्छा, अब हमको ये एलिमेंट निकालना है, तो ये एलिमेंट का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या आएगा? डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. अब हमको ये चाहिए, तो ये कब आएगा? जब तीसरा रो तीसरा कॉलम आएगा, तो जी स्क्वायर प्लस प्लस आई स्क्वायर. अब हमको क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ m इंटू m ट्रांसपोज, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ये जब जेई एडवांस में पूछा था, तब सेम कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, बस कहाँ इसका सम कितना कर देंगे? 3. अच्छा, हमको कौन कौन सा एंट्री का यूज करना है? 0 1 2. 0 एंट्री हमको क्या लेना है? 0 1 2. अच्छा, इसमें देखो, इसमें पहला केस क्या हम ले सकते हैं? 9 पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 9 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कितना दिया है? पॉजिटिव क्वांटिटी के स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ एक केस वो लेते हैं, पीएनसी पूरा है ये क्वेश्चन, पीएनसी ये पूरा क्वेश्चन में, कि हम क्या ले लेते हैं, कि हम क्या करें, 5 1 ले लेते हैं. पहला केस क्या ले रहा है? 5 1, यानी कि हम 5 1 ले ले, ले ले मतलब 5 1 ले ले, 2 3 4 5, और 4 0 ले ले. कितना जीरो ले ले? 4 0, 2 3 4. अब देख, 5 में से देख, अब देख 5 1 को कहीं पे भी मान ले, ए को 1 ले लिए, बी को 1 ले लिए, सी को 1 ले लिए, डी को 1 ले लिए, ई को 1 ले लिए, तो 1 का स्क्वायर 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 कितना हो गया? 5, बाकी 0. मान ले हम ए को 1 ले लिए, बी को 0 ले लिए, ये भी तो कर सकते हैं हम. क्या करें? ए को 0 ले ले, बी को 1 ले ले, तो टोटल ये कितने ऑब्जेक्ट हैं? 9 ऑब्जेक्ट हैं. इस 9 ऑब्जेक्ट को जितने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं, उतने तरीका से सम हम 5 ला सकते हैं. अब इस 9 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? कितना होगा? फैक्टोरियल 9 अपॉन 5 आइडेंटिकल 1 है, तो 5 आइडेंटिकल 1 के कारण फैक्टोरियल 5. 4 आइडेंटिकल 0 है, तो फैक्टोरियल 4. तो क्या बचा ऊपर में? 9 8 7 6, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 कैंसिल, बच्चा क्या? 4 3 2 1. और आंख मुनो तुम एक बार, ये कैंसिल हो गया नहीं, और ये 3 2 2 हो गया.
अच्छा ये कितना होगा तो देखो 7 × 49 6 × 56 9 × 63 60 और 63 को जब 2 से गुना करोगे तो 126 सही है ना 126 126 अच्छा आंसर में दिया 126 ये ऑप्शन नहीं है। अभी तो हमने वही केस डिस्कस किया, केस टू तो हम अभी बाकी है। केस टू में हम क्या कर ले कि 1 2 ले ले, 2 कितना ले ले 1 ले ले, 2 1 ले ले और 1 1 ले ले, तो 2 × 4 = 5 5 आ चुका, बाकी हम किसको ले ले 0 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 0 ले लिए। अब 1 2 तुम कहीं पर भी रख दो और 1 1 कहीं पर भी रख लो, मान ली इसको 2 लिए 2 × 4 और 4 × 1 = 5 बाकी 0 सम 5 आ रहा है। अभी थोड़ी ना कंडीशन है कि कहीं भी हम ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि हमको 1 को ही लेना है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं 9 ऑब्जेक्ट है, इसको अरेंज कितने तरीका से कर सकते हैं, कितने फैक्टोरियल 9 अपॉन आइडेंटिकल कौन कौन सा है, दो दो एक ही बार आ रहा था, फैक्टोरियल 1 लिखे कोई मतलब ही नहीं, 1 एक ही बार था फैक्टोरियल, तो क्या होगा फैक्टोरियल 7 मतलब 9 × 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया 88 64 और 9 72 72 तो टोटल केस आंसर क्या होगा केस 1 प्लस केस 2 आंसर क्या हो जाएगा केस 1 प्लस केस 2 यानी कि 126 प्लस 72 आंसर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 198। ये तो जे एडवांस में पूछा, अब मेंस में जो पूछा वो करते हैं, इसको जल्दी से लिखो सिमिलर अरे कर लेंगे 2 मिनट कर लेते हैं, कहीं कि बाद में हमी को बनाना पड़ेगा पता है ना, अरे पता है हो गया। देखो ऐसे देख सेकंड क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है, सेम क्वेश्चन तो सेम है, अब यूजिंग देख इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना लेना है हमको m इंटू m ट्रांसपोज का 3 लेना है। अच्छा तो 3 यहाँ पे लिख देना। अच्छा इस बार यूज एलिमेंट किसका करना है 0, 1 और -1 का, किसका यूज करना है 0, 1 और -1 का। अच्छा तो देख 0, 1, -1 का यूज करना है, नहीं 0, 1, -1 का यूज करना है, तो देखो इसका देखो इसमें कर क्या कह सकते हैं कि देखो इसका एलिमेंट का यूज करना है और उसका सम कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। कब कब 3 आ सकता है, एक वो केसेस जब हम तीनों बार क्या ले ले 1 1 ले ले बाकी जगह 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 ले ले। इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फोर देंगे मंगनी में कह रहे हैं ठीक। एक ये केसेज हुआ, दूसरा केसेज की हम वो बात करते हैं कि जब हम क्या ले ले 3 बार -1 ले ले तीन चार पाँच छः हो गया, इसका सम करोगे 9 आ जाएगा ना, -1 का स्क्वायर -1 का 3 आ जाएगा सम 3 आ जाएगा। इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और भी केसेज खुलेंगे क्या कौन सा के दो लीजिए लेना ही नहीं है 0, 1, -1 लेना है हो गया और कोई केस खुलेगा बस यही गलती होती है नहीं ये क्या क्या यहाँ पे क्या था एफ स्क्वायर ने क्या था g² h² + i² अब हम वो केसेज लेते हैं हम केस 4 की बात कर रहे हैं केस 3 की बात कर रहे हैं जब हम एक बार क्या ले ले 1 ले ले -1 ले ले 1 ले ले बाकी 0 ले ले 1 2 3 4 5 6 1 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा फिर 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो कितना 3 सम तो 3 आ गया बाकी जगह 0 इसको अरेंज करने का तरीका बोलो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 नहीं कहेंगे फैक्ट -1 तो एक ही बार चौथा केस बोलो कि हम क्या ले ले एक बार -1 1 -1 ले ले बाकी 6 बार क्या ले ले 0 6 बार क्या ले ले 0 इसको अरेंज करने का तरीका जो इसका अरेंज करने का तरीका इसका अरेंज कर सेम होगा मतलब फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 इसका आंसर बोलो कितना आएगा
अरे देख, 9 को क्या लिखोगे, 9 8 7 लिखोगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कैंसिल होगा, तो क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 हुआ, तो देख ये 3 और ये 4, 84 इसका भी आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका देखो देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1298 होता है, 1256, 1272, 1784, 1256, 1272, 1784, सही तो है, सही है, सही है, सही है, चार नहीं। अब इसका सम क्या होगा, 7 × 28 ये होगा, 28 को 9 से गुना करो, तो 28 को 9 से, अबे ज़्यादा दिक्कत है, तो 280 में से 28 घटा दे, 252, इससे भी 252, टोटल केसेस, टोटल आंसर क्या होगा, सब सारे केसेस को ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 84 + 84 + 128 अच्छा कितना आया है, 252, टोटल एनसी 672, 672 नहीं, आंसर आ जाएगा 672, हो जाता ना घर से होमवर्क, ये केसेज ले लेते हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं, यहीं पाँच छः छोड़ रहे थे, नहीं देख बोल रहा है कि लेख, क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा या पांचवा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर कई माह है, 10 है मेरे हिसाब से, या 9 या 4, पांचवा नंबर है, देखो क्या बोल रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्री 3×3 नॉन जीरो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब x और y क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज क्या होगा, x ट्रांसपोज माइनस x के बराबर होगा और y ट्रांसपोज माइनस y के बराबर होगा, होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्या बोल रहा है, एंड जेड वी, जेड क्या है, एन आर्बिट्री 3×3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जेड ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा, नहीं तो हमसे क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज एसक्यू सिमेट्रिक, कौन सा मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक्स होगा, ये क्वेश्चन कब पूछे हुआ है, जेई एडवांस कितना 2015 ये पूछे हुआ, अच्छा अब पहला ऑप्शन देखो, इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वाई के पावर, पहला ऑप्शन क्या करा, अच्छा जिस ऑप्शन को चेक करना है उसको हम पी मान के चलते हैं, नहीं पहला ऑप्शन को क्या बोला है, पहला क्या है, वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 माइनस जेड के पावर 4 वाई की पावर 3, अच्छा अब यानी कि देख पी ट्रांसपोज अगर माइनस पी के बराबर आ गया तो इसकी क्या, इसकी सिमेट्रिक ना चेक करना, तो पी ट्रांसपोज अगर माइनस पी के बराबर आ गया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, तो हम पी ट्रांसपोज निकालते, तो पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इतना का ट्रांसपोज मतलब वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज, अच्छा तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज होता नहीं, तो क्या होगा वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड की पावर 4 और वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज, यहाँ से ट्रांसपोज क्या करेगा, रिवर्सल ऑफ प्रॉपर्टी लगाएगा, ट्रांसपोज अगर रिवर्सल ऑफ प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होगा, जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज प्लस वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज माइनस, इधर से क्या होगा, वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज होगा, अच्छा यहाँ से देखो जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज को लिख सकते हैं, जेड ट्रांसपोज की पावर 4 फिर वाई ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस वाई ट्रांसपोज की पावर 3 जेड ट्रांसपोज की पावर 4, अच्छा जेड ट्रांसपोज किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो जेड की पावर 4
वाई ट्रांसपोज किसके रहे माइनस वाई, माइनस वाई की पावर थ्री, माइनस वाई की पावर थ्री आ जाएगा ना माइनस। अब देखो वाई माइनस वाई की पावर थ्री तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा तो वाई क्यूब प्लस जेड ट्रांसपोज कितने बराबर आ गया जेड, तो जेड की पावर फोर। अच्छा ये पी किसको माने थे, इसको माने थे ना, इसको माने थे तो पी के बराबर आ गया। ये पी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, पी ट्रांसपोज पी के ही बराबर आ गया कि वाई क्यू जेड की पावर फोर, वाई क्यू जेड की पावर फोर माइनस जेड की पावर फोर वाई क्यू, यही आ गया। तो पी ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, ये तो सिमेट्रिक है यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, हमको तो इसकी सिमेट्रिक कराना था, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पे चलो चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन जो बोला उसको ना वही मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो पी क्या है मेरे पास, एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर थ्री, सॉरी एक्स की पावर 44 वाई की पावर 44 ही है ना, चलो 44 ही है। तो हम पी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पी ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ना, यानी कि एक्स की पावर 44 का वाई की पावर 44 का ट्रांसपोज, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स 44 की पावर ट्रांसपोज प्लस वाई 44 की पावर ट्रांसपोज। यहाँ से क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज की पावर 44 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 44। एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स के बराबर आएगा, और माइनस एक्स की पावर 44 प्लस माइनस वाई की पावर 44, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 44 प्लस वाई की पावर 44, और ये किसके बराबर आ गया, पी के। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब इसकी सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक्स की पावर 4 जेड की पावर 3, हम इसको पी मान लेते हैं, जेड की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 एक्स की पावर 4। अब यहाँ से हम पी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज, इंडिविजुअल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स 4 जेड 3 का ट्रांसपोज माइनस जेड क्यू एक्स की पावर 4 का ट्रांसपोज। अब एक ही लाइन में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जेड की पावर 3 का ट्रांसपोज, मतलब कि जेड ट्रांसपोज की पावर 3, क्या लिखेंगे, जेड ट्रांसपोज की पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, एक्स 4 की पावर, एक्स 4 का पावर ट्रांसपोज यानी एक्स ट्रांसपोज की पावर 4 होगा, माइनस यहाँ से एक्स ट्रांसपोज की पावर 4 जेड ट्रांसपोज की पावर 3। अब देख जेड ट्रांसपोज किसके बराबर है, जेड, तो ये क्या होगा, जेड की पावर 3 x ट्रांसपोज माइनस x, माइनस x की पावर 4 प्लस का ही x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस x ट्रांसपोज यानी कि x की पावर 4 और z की पावर 3। p ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, तो p ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस p के। तो तीसरा ऑप्शन मेरा सही है, इसकी सिमेट्रिक आ गया। चौथा ऑप्शन की बात करते हैं, क्या कि एडवांस की बात है तो मल्टीपल चॉइस आने के क्वेश्चन रहते हैं, नहीं तो चौथा में क्या है, p किसको मान लेंगे, x की पावर 23 प्लस वाई की पावर 23। तो पी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक्स 23 की पावर ट्रांसपोज प्लस वाई 23 की पावर ट्रांसपोज, नहीं तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 23। एक्स ट्रांसपोज कितना है, माइनस एक्स के बराबर है, यानी माइनस एक्स की पावर 23 प्लस माइनस वाई की पावर 23 होगा। अब देख माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 23 और फिर यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया तो क्या आएगा, प्लस वाई की पावर 23। तो पी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस पी के बराबर आ गया, मतलब चौथा ऑप्शन भी मेरा सही है, नहीं तो लिखो। देखिए तो एडवांस में क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्रॉस यानी हर ऑप्शन को चेक करके चलना, किसी एक ऑप्शन को आ जाने से मत सोचना कि वही आंसर है, और भी आंसर हो सकते हैं। हो गया था, देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, नहीं सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया है, 27 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा तुम लोग को एक प्रॉपर्टी हम कुछ बताए थे, नहीं बताए थे, ये प्रॉपर्टी होता था कुछ, के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता था, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा एन क्या होता था, ऑर्डर, नहीं तो यहाँ पर देख डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1/2 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए
प्लस वन बाय टू का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर वन बाय टू की पावर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। नहीं तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यहाँ से क्या बाहर आएगा, वन बाय टू की पावर टू, मतलब वन बाय टू का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वन बाय टू का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे और यहाँ से क्या आएगा, वन बाय टू की पावर थ्री का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वन बाय टू की पावर फोर का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन। नहीं अच्छा, सारे जगह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिए, बच्चों का बच्चों वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाई टू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन बाय, अच्छा एक चीज़ ये तुम लोगों को पता है कि ए की पावर एम की पावर एन, इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन की पावर एम, लिख सकते हैं ना, हाँ तो इसमें देख टू का स्क्वायर की पावर थ्री प्लस इसको क्या लिखेंगे, टू की स्क्वायर की पावर फोर एंड सो ऑन। इका लिखो है ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो वन बाई टू स्क्वायर है, क्या है, वन बाई टू स्क्वायर है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, वो बोल सम ऑफ जीपी होता है। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है सम, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है याद है किसी को, ए इंटू फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। लिख देना कि एस इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है ए अपॉन वन माइनस आर होता है, नहीं ए अपॉन वन माइनस आर। तो देख यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट टर्म कितना है, वन, यानी अपॉन वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। नहीं अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 27, वन अपॉन वन माइनस क्या आएगा, वन बट्टा चार आएगा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या आएगा 27, ये चार ऊपर जाएगा एलसीएम लेने के बाद, नीचे में क्या आएगा, चार माइनस एक तीन नौ, आंसर कितना होएगा 36 होएगा। नहीं